नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वन एसएमईज गाइस चैनल। हम लोग, मैं और मेरा जो अभी जो कैमरा पकड़ा हुआ है गौतम चला रहा है जावा। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा, मैं चला रहा हूँ एक्सपल्स। और हम लोग और सॉरी, बेला को इंट्रोड्यूस करना तो भूल गया था। देखिए कितना वो सनराइज देख रही है, पीछे देखिए फुल सनराइज देख रही है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट का सफर के लिए निकले हैं। ये ट्रिप कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर का होगा। एंड हम लोग कम से कम 40-50 दिन शायद रोड पे रहेंगे, सॉरी हाईवे में है, शायद ये सब गाड़ी जाने से आवाज़ कम हो जाता है। तो ये बहुत ही लंबा सफ़र है। बेसिकली हम लोगों का मेन कॉज जो है राइड का, डॉगिस को, स्ट्रे डॉगिस को खाना खिलाना और स्ट्रे डॉगिस को ये जो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स हैं पहनाना। तो ये हम लोगों का मेन कॉज है। जितने भी रास्ते में डॉगीज वगैरह मिलेगा तो हम लोग को ये करते जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज है डे वन। आज हम लोगों का दिल्ली से हम लोगों ने शुरू किया था, लखनऊ तक जा रहे हैं। देखिए ये 200 में जा रहा है गाड़ी, ये भी देखिए ये 150 में जा रहा है गाड़ी, वो भी स्प्लेंडर को हम सबको पार करके चले जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, आज डे वन है हमारा नॉर्थ ईस्ट का सफर का। और आज हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में हम एक कैंटोनमेंट एरिया पे रुकेंगे, पर वहां पे हम लोग शायद वीडियो बना नहीं पाएंगे बिकॉज वो आर्मी का एरिया है। हम लोगों को एक फैमिली होस्ट करेगा, तो वो अगर टाइम मिलता है, अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे। अदरवाइज हम लोग 130 किलोमीटर के आसपास आ गए। रात को वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत आप लोगों को फुटेज दिखा देता हूँ। हम लोगों ने 2-4 डॉगीज को खाना खिलाया और ऐसे स्ट्रे डॉगीज को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टिव कॉलर्स भी पहना है। तो यस, आगे के सफर में यही करेंगे। मीनवाइल इस तरफ आप लोग नजारा देख लीजिए, ये एक खेत है और खेतों में बिल्कुल, हम लोग एसमीज में इसको बगोली बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं बगोला। थोड़ा सा जूम कर देने से आप लोगों को दिखेगा, यस ये है हमारा यूपी का खेती। आगरा का टोल हम लोग अभी खत्म कर लिया है, जो टोल जो पैसा लेता है जहाँ पे टोल होता है वो खत्म कर लिया। अभी क्रॉस करके हम लोग जो लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसमें घुसेंगे। एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, देखिए इस रोड पे कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है ना। सिरू तेरा ये कान से बाहर निकल रहा है, रुक जा एक मिनट। देख रहे हैं गाड़ी बहुत फास्ट आ रहा है। एक यहाँ पे जंगली कुछ गिरा हुआ मरा हुआ है, ये कौवा तो नहीं है, ये कोई बर्ड है, नहीं तो एक्सीडेंट से मरा है, तो कोई चिड़िया है, लोकल चिड़िया, ये मर गया। देखिए गाड़ी बहुत फास्ट आता है यहाँ पे। ओके गाइस, तो गौतम से अच्छी तरह आप लोगों को मिलाया नहीं, गौतम से मिलाते हैं। गौतम अपना सिगरेट छुपा रहा है। ऑलराइट, सो ही इज गौतम। गौतम को, गौतम अपने बारे में खुद ही बताइएगा। हाय गाइस, सो एज अ चाउस फ्रेंड, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। बहुत मज़ा आने वाला है, मेरी बहुत फटने वाली है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर ड्रिवन सो लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड यू नो, ड्यूरिंग द राइड हम साथ में, हम लोग चलेंगे राइड पे, आप लोग को भी साथ में लेके चलेंगे, तो मेरी कितनी फटती आपको दिख जाएगा वहाँ वहीं पे दिख जाएगा। और इस राइड के लिए भाई साहब ने नया हेलमेट खरीदा है, नया टैंक बैग खरीदा है, नया सैडल बैग खरीदा है, नया जैकेट खरीदा है, नया ये गार्ड शायद पहले से ही था या नया खरीदा है, सब कुछ ऑलमोस्ट नया है। इनफैक्ट ये पूरा ट्रिप ही इसके लिए नया है। तो मस्ती बना रहेगा यार, आगे चलते जाएंगे। बहुत लंबा जाना है, लखनऊ तक पहुंचना है और शाम तक ही पहुंचेंगे, तो आराम आराम से, क्योंकि बेला के साथ इतना फास्ट भी राइड नहीं कर सकता। ये तो तब से सनराइज ही देख रही है। सुनो तू क्या देख रही है तब से, चलो यहाँ से निकलते हैं फिर। अच्छा Yeah।
ये बहुत वो करती है ना। दो का लगाया आज के दिन में, अभी तक दो को लगाया है, तीनों को खाना खिलाया है, बाकी आगे देखेंगे यार, अभी जितने भी मिलेंगे। हमारी बेला थोड़ा सा जेलस होके रखिए, वो चुप हम लोग भी चलेंगे यार। बस लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग आ चुके हैं 130 किलोमीटर आगरा का जो टोल है वो क्रॉस कर लिया, अभी आगे जाके हम लोग लखनऊ का एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। एंड यस ऑन आवर जर्नी, हम लोग सुबह 3 बजे स्टार्ट किया था और काफ़ी स्लो आराम से आ रहे हैं, 60-70 के स्पीड में, नॉट 70, 55-60 के बीच में आ रहे हैं, बिकॉज इसके साथ भी ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते। और बेला तो लग रहा है थोड़ा सा एंजॉय तो कर ही रही है। दिखा सूर्य, दिखा तो क्या देख रहे थे, तेरा ग्लासेस में तो दिखा दे क्या देख रही थी। ओ सनराइज, माय गॉड, एंड दैट्स गौतम, ही हैज़ वो जावा चला रहा है, बाकी आपको व्लॉग में फुल दिखेगा। दिस इज़ आवर अपडेट। थोड़ी देर बाद हम लोग लखनऊ का जो टोल है, या आगरा लखनऊ का जो टोल एक्सप्रेस वे है उसमें घुसेंगे। यही बात कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है ये, अब देखिए इनका साथ में अब तीनों है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा है कि आप कितना लोग, मैंने पूछा कि आपने बोला तीन में हम तो देख रहे हैं दो आदमी ना। जब बेला का जब बात करता तीन, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा। थैंक यू, हम लोग डॉग्स के लिए मतलब वो खाना वाना भी खिलाते ना। ओके गाइस, सो हमें हमारे जो नेबरिंग स्टेट है अरुणाचल के एक भाई साहब मिले हैं ईटानगर से, यहाँ पे अभी आगरा जा रहे हैं। आप खुद बताइए कहाँ जा रहे हैं? मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ और आगरा से मैं आज दिल्ली वापस आऊँगा। मुझे ये इनको मिल के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं हम लोग अभी कम से कम 2 साल से घूम रहे हैं। ओ सॉरी, 2 साल नहीं, 1.5 साल से घूम रहे हैं। आज इनफेक्ट इसका बर्थडे है। ओह यस, और इसके लिए केक लेके आया हूँ। वेरी गुड, वो रास्ते में एक जगह पे काटेंगे। ठीक है, और मैंने आपने बताया कि और सारे जो रास्ते में कुत्ते जो मिलते हैं उनको भी खाना खिलाने वाले हैं, ये बहुत अच्छा बात है। नहीं, वो अभी है ना यहाँ पे, अभी मैं ये है ही, मैं अभी खाना खिलाऊंगा इनको। और ये तो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स है, क्योंकि रात को ये सब डॉगीज में ना रास्ते में घूमता रहता है ना, ऐसे रास्ते में आ जाने से एक्सीडेंट तो होता है इन लोगों का। अगर ये रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहना देता हूँ ना तो बहुत मतलब इनका बच जाता है, मतलब इसका एक्सीडेंट वगैरह कम होता है। ये बहुत कम लोग ये ऐसा काम करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत एक हम आपसे ईटानगर में मिलेंगे होंगे, ठीक है? जरूर, जरूर। जब भी जाना होगा, जब कभी भी आप मिलिए ईटानगर, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका नाम लिखा तो नो मोर फाइट्स, बस 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 नो फाइट, दोस्ती कायम रखो। अलग अलग डॉगीज को पहनाते रहेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि सब हर कोई फ्रेंडली नहीं है, जो फ्रेंडली है उसको पहनाते जाएंगे। खाना तो दिया है, खत्म खाना खत्म।
झिला को ले गाइज, ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, बहुत ही बोरिंग है यार, बहुत ही बोरिंग है। और जैसे धूप निकल रहा है, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं बोलूँ। और यहाँ पे ऐसे फूड जॉइंट्स खाली दो ही है, एक ये है और एक आगे 100 किलोमीटर आगे मिलेगा, मतलब दूसरी तरफ भी दो है और इस तरफ भी दो ही है। और यहाँ पे अभी पेट्रोल डालेंगे, यहाँ पे खाने का कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे डोसा खा लिया था, तो अभी 2-4 मिनट थोड़ा सा ठंडा कर लेते, पानी वानी पी के फिर निकलते हैं। जॉन ने आज 300 किलोमीटर राइड कर लिया लाइफ में पहली बार। इन स्ट्रेस। और बेला बिजी है वो उसको देखने में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे स्वीट। इधर देखो, इधर तुम्हें बिना हैप्पी बर्थडे करो, बर्थडे आज गाइज, आज बेला का बर्थडे है, आज सेकंड बर्थडे है, इसीलिए मैंने ये 2 नवंबर चूज़ किया था इस कॉज के लिए। जितने भी डॉगीज है रास्ते में खिला के जाएंगे, ये सब पट्टी बांध के जाएंगे, इसीलिए इस दिन का वेट किया था मैंने। इसका बर्थडे इसको तो इतना पता नहीं होगा, बट ये मेरे लिए एक स्पेशल ओकेजन है। और देखिए बच्चे लोग भी आ गए, केक वेक सबको बांटेंगे अभी। तो ये ले, तू खा ले उसको, थोड़ दे ले, ये नहीं खाएगा। कोई नहीं, इसका केक बाद में वो हो जाएगा, पर हमारे बच्चा पार्टी लोग को ले 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 ले। अब मैं बोलूंगा, जोर से बोलो, तुम लोग बोलना हैप्पी बर्थडे, ठीक है? फिर बोलूंगा शान से बोलो, फिर तुम लोग बोलना हैप्पी बर्थडे, ठीक है? ठीक है कि नहीं? सब लोग इधर जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, शान से बोलो हैप्पी बर्थडे। तो आज बेला का बर्थडे है, तो ऐसे ही हम लोग रास्ते में मजे कर रहे हैं। हम लोग तो हाईवे में हाईवे, मतलब काफी टाइम तक अभी हाईवे में ही रहेंगे। आप क्यों चले गए? आप भी आ जाओ। ओ भाई साहब ले जाओ, भाई साहब नहीं खाएंगे, और ले जाए, ये खाएगी नहीं, और मेरे साथ गौतम है, तो गौतम और मैं शेयर करेंगे, मुंह मीठा करते हैं, मुंह मीठा करते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ। हैप्पी बर्थडे बेला, हैप्पी बर्थडे, जोर से बोल लो हैप्पी बर्थडे, प्यार से बोल लो हैप्पी बर्थडे। इसको रिफ्लेक्टिव कॉलर भी लगा दिया। गाइस, सबसे पहले तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि जैसे मैंने प्लान किया था ये व्लॉग बनाने का, एक्चुअली जो इंस्टा 360 है ना, जो फुटेज मैंने लिया था सब टाइम लैप्स आ गया, तो उसमें बर्बाद हो गया और उसको मैं ऐड नहीं कर पाया, टाइम लैप्स क्या ही ऐड करूँ। वैसे हम लोग लखनऊ आके पहुंच गए हैं, और लखनऊ पे हम लोग हैं यहाँ पे, ये एक ऑफिसर्स मैस का क्वार्टर है, क्वार्टर है, ऑफिसर्स मैस है जो गेस्ट के लिए बनाया जाता है। ये एक ड्रॉइंग रूम है आर्मी ऑफिसर्स का, बाय द वे। हम लोगों को कैसे मिला मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले रूम दिखा देता हूँ। ये है ड्रॉइंग रूम, यहाँ पे स्वीटू उसको सूंघ रही है, और आइए इधर इधर रखा है भाई, आर्मी लोगों का चीज है, एक 1BHK टाइप से ही है। ये छोटा सा डाइनिंग रूम है, फ्रिज वगैरह हमारा, ये खाना आया हुआ है, खाना आज वेज है, इसीलिए कोफ्ता आया है, चावल आया है, रोटी आया है, अंडा आया है, एंड इसको क्या बोलते हैं, स्वीट डिश। इसको भी थोड़ा सा अच्छे जब खाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। दिखाते हैं बेडरूम, देखिए हमारे घर पे भी ऐसा वॉल में ऐसा वाला बेडरूम नहीं है आर्मी वालों का, कितना सही है, मस्त है। टीवी लगा हुआ है, अभी मैच देखा था, इंडिया ने मैच जीत लिया,
और हमारा जो श्रीलंका ने कितना कितना स्कोर दिया? I checked 77 for 7. ऐसा कुछ 77 for 7 और इंडिया का एक घंटे में मैच खला। तो हम लोग आज मेरा और जॉन का स्वागत यहीं पे होगा। बाकी आगे ये है बाथरूम भी बहुत सुंदर क्या है, मतलब ऑब्वियसली आर्मी वालों का एक चीज अच्छा है कि सब कुछ grand, साफ रहता है, ग्रैंड एंड साफ, ग्रैंड एंड साफ है। ओके तो ये चीज हो गया। मेरा आज का सबसे डिप्रेसिंग पॉइंट है ये, एक्चुअली मैंने कभी इसको पहले यूज नहीं किया, तो मैंने इसको डायरेक्टली जैसे इसको बटन स्विच ऑन करता हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये टाइम लैप्स हो जाता है। मैंने जब यहाँ पे आके फुटेज देखा तभी मुझे पता चला कि ये सब टाइम लैप्स हो गया, नहीं तो मैं आपको अच्छी तरह आज ये वीडियो पेश करता। एनीवे हम लोग लखनऊ पहुँच गए और ये जो वीडियो ऐसा बना है इसके लिए बुरा मत मानिएगा। एंड गौतम को पूछते हैं कि उसका कैसा लगा, क्योंकि आज वो पहली बार 500 किलोमीटर राइड किया। आई सर्वाइव्ड and thanks to you, tumhare wajah se I was able to do it and tumhare wajah se hi continue karenge. Main jitna socha tha itna stressful hoga pahunch ke destination mein, itna means hota nahi hai. Excitement overcomes the tiredness. And you know, aise ghar pe jaoge rehne milega to khud ko kisko कोई भी इसको देख लेगा ना तुम्हारे पीछे जब बैठ के जाती है। आई हैव सीन यू नो मे बी नॉट हंड्रेड्स बट एटलीस्ट 20 cars रोका ही है देख के, मैं स्वेव किया है एंड ऑल दैट. You know, whosoever is a pet lover, animal lover, they always slow down the car, takes a video, be it a lady or be it a man. मैंने लॉन्डो को भी देखा, एक लॉन्डो वो HR वाला जो गाड़ी था 3-4 बार उसने रोका है, वीडियो बनाने के लिए 3-4 हम लोग को ओवरटेक किया. So that's the love of the pets that people have, and yeah, it's a great time or many more to come. वही है. एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, गौतम कैमरामैन को कैमरा थमा देते हैं। ये एक राखी देखिए, ये राखी गौतम के भी हाथ में भी था, अभी उसने निकाल के खोल के रखा है। ये दो डिओड्रेंट, एक टोपी मैं पहन रहा हूँ, ये नहीं, ये टोपी एक्चुअली ये टोपी मुझे गिफ्ट मिला था इसका, और एक है जो ग्रीन कलर है,